केयर डायग्नोस्टिक लैब, आधुनिक उपकरणों वाला उत्तम लैब अब पिलानी में। घर से सैंपल कलेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध, बेटवाल हॉस्पिटल के पास पिलानी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7850162721। युवक को सोशल साइट पर लड़की से दोस्ती करना भारी पड़ा। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के पिलोत गांव निवासी विनोद गुजरात में काम करता है। 18 मई को वह घर से यह कहकर निकला कि परिवार की एक शादी अटेंड करने वह गुजरात जाएगा। उसके बाद 19 मई को विनोद ने पिता को फोन कर यह बताया कि उसका अनजान लोगों ने अपहरण कर लिया है और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। युवक के पिता ने उसी रात सूरजगढ़ थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज करा दिया। सूरजगढ़ सहायक थाना अधिकारी भोलाराम मामले की जांच कर रहे थे। एएसआई भोलाराम ने मोबाइल पर आए नंबरों की जांच पड़ताल की तो युवक यूपी पुलिस के कब्जे में पाया। सूरजगढ़ एएसआई पुलिस जाब्ते के साथ यूपी में पप्पल थाने पहुंचा। युवक को थाने में शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था। फिर सूरजगढ़ पुलिस युवक को वहां से दस्तब्याद कर सूरजगढ़ लेकर आई। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो युवक ने बताया कि उसकी यूपी की एक लड़की के साथ सोशल साइट पर दोस्ती हो गई थी। युवती ने उसको यूपी के पप्पल में मिलने के लिए बुलाया था। वहां लड़की के परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। टेलीफोन आया बच्चे का, मेरे को बरेली साइड में किसी आदमियों ने पकड़ कर मारपीट कर रहे हैं, इस मेरा अपहरण कर ले गए, क्या बात है। जब इस इतला पर एसएचओ साहब को अवगत कराया, एसएचओ साहब ने कहा एफ आई आर लॉज कर दीजिए, और फिर एफ आई आर लॉज करके मेरे आईसी थाना ने, अमर सिंह आईसी थाना से इन्होंने मेरे नाम तफ्तीश कर दी। अनुसंधान इन द मॉर्निंग सुबह 5 बजे मैं खुद अलीगढ़ की तरफ रवाना हुआ। मैं प्राइवेट वाहन के मैं इसके पिताजी को लेकर धर्मपाल को, तो पप्पल थाने के नीचे ये गांव पड़ता है कोई, तो पप्पल थाने में इसको पुलिस यूपी पुलिस ने 151 में अरेस्ट करके बंद कर रखा। तो इसको बंद करने के जमानत के बाद में फिर मैंने हवाला दे दिया भैया हमारे एफआईआर लॉज है, इसकी आप नजर चलाइए, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया, कोई मारपीट कर रहा है, एफ आई आर से अवगत करे। फिर इसको वहाँ पे तहसीलदार के यहाँ से पेश किया न्यायालय में, वहाँ से बाद में इसको रवाना होकर थाना पर।